हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल साबूदाना। इस साबूदाना को हमने 5 से 6 घंटे पानी में भिगो के रखा है। और हमें चाहिए 2 बड़े आलू, इनको हमने उबालकर काट लिया है। और हमें चाहिए 1 टमाटर चॉप्ड किया हुआ, और मूंगफली, चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड चिली एंड सॉल्ट। अब हम पीनट को रोस्ट कर लेंगे। इसमें कोई ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, ड्राई रोस्ट करेंगे। ये हमारी पीनट रोस्ट हो गई है, मूंगफली भुन गई है। अब इनको हम छिलके सहित ही ग्राइंड कर लेंगे, मतलब पीस लेंगे। मूंगफली को इस तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हमने पैन में घी गरम किया है, इसमें हम अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप व्रत में जीरे का यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं जीरे का यूज नहीं करती, इसलिए मैंने केवल अदरक और मिर्च का तड़का लगाया है। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे, नमक हम स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। साथ में ही हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे। इन दोनों को हम थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें हम साबुदाना ऐड करेंगे। साथ में ही हम ये मूंगफली भी ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको हम ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे। देखिए, 2 मिनट हो गए हैं और मेरा साबुदाना अच्छे से पक गया है, साथ में ये फ्राई भी हो गया है। अब इसको हम धनिया से गार्निश करेंगे। थोड़ी धनिया हम इसमें मिला भी देंगे। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। ये हमारी साबूदाने की खिचड़ी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।